नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। 22 मार्च पूरा दिन जनता कर्फ्यू लगा रहा। इस जनता कर्फ्यू पूरे देश में लगा रहा है और पीएम मोदी के आह्वान के बाद, आदेश के बाद लोगों ने इस जनता कर्फ्यू का पालन किया है। आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान लोग अपने घरों में रहे, सड़कें सुनसान सी नजर आई, छोटी बड़ी हर दुकान बंद रही, सिर्फ मेडिकल, दूध की दुकान व जो है हॉस्पिटल, इस तरह के जो है खुले रहे और बाकी के सभी दुकानें बंद रहीं। और हम आपको बता दें, मुमरा कलवा और सिलडाय घर व आस पास के इलाके में जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिला। लोगों ने कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए इस जनता कर्फ्यू का पालन किया। मुमरा की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें 9 बजे के दरमियान लोग अपने ज़रूरी कामों के लिए, दूध व मेडिकल दवाओं के लिए घर से बाहर निकले, जिसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। इस बंद के दौरान ठाणे महानगर पालिका ने कलवा मुमरा में जो है दवाओं का छिड़काव भी किया। कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इसके चलते 22 राज्यों में 75 जिलों में लॉकडाउन किया है। भारत में कोरोना वायरस के पीड़ित की संख्या 354 मामले सामने आ चुके हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली, लखनऊ, आगरा, देहरादून, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, पुणे, नागपुर, मुंबई, रायपुर और अहमदाबाद अन्य जिले शामिल हैं। वही एनआरसी पर घंटा घर में प्रोटेस्टर आज भी बैठे रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। प्रदर्शनकारियों का कहना है, हमारी मांगे पूरी होने के बाद ही हम धरना खत्म करेंगे। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा और दिल्ली में कल सुबह 7 बजे से दिल्ली लॉकडाउन हो जाएगा। 31 मार्च तक दिल्ली में भी लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इन सब के बीच सरकार बार बार ऐलान कर रही है ज़रूरी सेवाएं खुली रहेंगी और चेतावनी भी है 31 मार्च तक एक जगह पर 3 से 4 लोग जमा ना हो और इसका पालन करें। अगर इसका कोई पालन नहीं करेगा तो सरकार इस पर सख्त कदम उठाएगी। और मध्य प्रदेश में भी 24 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया है। अब हम आपको देश के बड़े नेताओं की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए जनता तो जनता, नेताओं ने भी थाली ताली घंटी बजाई, थाली बजाओ का भी निर्देश दिया था पीएम मोदी ने और जनता ने तो ताली बजाई है। साथ ही साथ एनसीपी पार्टी के शरद पवार, सुप्रिया सुले के साथ घंटी बजाई। दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ओम बिरला ने बजाई ताली और घंटी भी बजाई। तीसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी और रविशंकर प्रसाद ने भी ताली बजाई, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं पर तालियां तो कहीं पर घंटी और थाली बजाई गई, तो कहीं पर जनता कर्फ्यू सक्सेसफुल रहा, उसके खुशी में खुशियां मनाई गई। और दिल्ली के जामा मस्जिद पर लोग इकट्ठा हुए और तिरंगा लहराया गया, तो कहीं थाली बजाने की रैली निकाली गई। बहरहाल बंद का असर पूरे भारत देश में रहा है। पुलिस की चप्पे पर नजर रखी है, पुलिस का चप्पे पर नजर बनी रही है। उसके बावजूद आम जनता के साथ पुलिस ने भी थाली बजाया, लेकिन आपको बता दें धारा 144 लागू रहेगा। उसके 3 से 4 लोग एक ही जगह पर ना खड़े रहें, जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले। देश के 75 जिलों को लॉकडाउन किया गया है। 75 जिले इसलिए लॉकडाउन किया है, 75 जिलों से कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, इसलिए 75 जिलों को लॉकडाउन कर दिया है। फिलहाल 31 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगा। आप लोग अपने अपने घरों में रहें, हम बार बार आपको बता रहे हैं, सरकार भी आह्वान कर रही है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोक सके। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।